पतंगों में मिट्टी उमंगों में खेलों के मेलों में पंखा की देलों में गन्नों के मीठे में खट्टर मछली के में ढूंढो तो मिल जाओ पत्ता बगीचों में सभी हाउस मेंबर्स से मेरा विनर अनुरोध है गर्ल्स को रिले रेस के लिए 10 पर भेज दीजिए। ऑल हाउस मेंबर्स प्लीज लिसन मी केयरफुली। रिले रेस गर्ल्स प्लीज कम ऑन द ट्रैक अकॉर्डिंग टू हाउस। बहुत ही बेहतरीन रेस होती है जो सबका मन मोह लेती है। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है अंशुल, ईशान, कपिल एंड प्रभुत। प्लीज कम ऑन द ट्रैक टू जमीन थ्रो। अंशुल, ईशान, कपिल, प्रभुत। अंशुल, ईशान, कपिल, प्रभु जमीन थ्रो के लिए तैयार रहेंगे। ऑल स्टूडेंट प्लीज बी साइलेंट। मैडम, मैम, रिले रेस के लिए हाउस वाइज बच्चे बैठे हुए हैं और पीटीआई का इंस्ट्रक्शन लेते हुए और पीटीआई को समझाते हुए इस तरीके से आप लोगों को रूल फॉलो करते हुए अपने आप को विनर साबित करना है। एक ही हाउस विनर होगा लेकिन सभी का उत्साहवर्धन सभी को अचीवर, प्रोफेसर, मोटिवेटर और इनोवेटर हाउस के बच्चे ट्रैक पर बैठे हुए और पार्टिसिपेट करने के लिए इसी बीच समझाते हैं का तरीके ऐसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर सुनील सरकार। वो हमारे हर एक मोमेंट पर हमें उत्साहवर्धन करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए और इस स्पोर्ट्स मीट में भी हमारा साथ देने के लिए उपस्थित हुए हैं। All are ready for relay race.
मैं सभी सम्मानित अभिभावकगणों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए। एक बार सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे सभी सम्मानित अभिभावकगणों के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। सो पीटीआई फॉर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मैं बच्चों को नीले रेस के लिए और नीले रेस अपने आप में एक कमाल की रेस है जो हर किसी का मन मोह लेती है और इसमें चारों हाउस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पीकर हाउस, इनोवेटर हाउस, मोटिवेटर हाउस एंड प्रोग्रेसिव हाउस। और स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट। ये बच्चों ने जैविंग थ्रो में पार्टिसिपेट कर रखा है वो ट्रैक पर आ जाइए। ट्रैक के बीच में बैठ जाइए आप। चल रहा है उत्साह वर्धन के लिए बीच बीच में जैसे ही दौड़ लगेगी सबका उत्साह बढ़ेगा। उत्साह के साथ साथ आप लोगों को ताली से स्वागत करना इन बच्चों का। कोई इसी तरह का डिसिप्लिन तोड़ना नहीं है। स्टार्ट होती हुई सिग्नल मिलते हुए पीटीआई सर की ओर से अभी जैसे ही मिलेगा तब और एक साथ दौड़ेंगे बच्चे। अपने ही अपने ट्रेन में दौड़ना है फर्स्ट राउंड के लिए। दौड़ के लिए स्टार्ट होती है। ये झूमो कहाँ गए रिंकी मैडम इसे होल्ड कर लो। आगे बढ़ते हैं बहुत के साथ बहुत अच्छे हमारे प्रधानाचार्य विनय भी उनका उत्साह बन गया बच्चों का। बहुत अच्छे प्रदर्शन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। देखते हैं उनकी श्रेणी में कौन जा पाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट से आप लोगों को एक इंटरनेशनल प्लेयर बनाने की कोशिश में हमारे पीटीआई सर। देखते हैं आज जैविक करो जिससे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट और यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट कौन होंगे हमारे प्रतिभागियों में। तो आपके सामने जैविंग थ्रो होगा जिसमें परफॉर्म कर रहे हैं अंशुल
ईशान, कपिल, प्रभु और विकास, ये हम क्या देख रहे हैं कि विकास हर एक टीम में आगे बैठे प्रदर्शन की बेहतरीन करते हैं। विकास और प्रभु का प्रदर्शन काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बच्चों के लिए। कुछ बच्चे तो हर एक इवेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ला रहे हैं। क्या हुआ मोदी जो सूरज साहब के साथ खेल तो खेल रहे हैं। कोई भी बच्चा ये सोच कर नहीं घबराएगा कि हम हार गए हैं। कोई नहीं हारा, सबने कुछ ना कुछ अवश्य सीखा है और आप सब यहाँ से कुछ ना कुछ अवश्य लेकर ही जाएंगे। सभी सम्मानित अभिभावक गणों का एक बार और तहे दिल से शुक्रिया हमारे स्कूल की पूरी प्रबंधक टीम की तरफ से और हम सभी शिक्षक की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये रहा गोरख का खुद प्रदर्शन, इतना कमाल का भाला फेंका है उसने, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए गोरख के लिए। देखा होगा आपने कितनी चपलता और चतुराई से बिल्कुल सीधे जैवलिन थ्रो में उसने कमाल किया है। गौरव फ्रॉम ग्रेड 11 और अब परफॉर्म करने जा रहे हैं वासुकांत फ्रॉम ग्रेड 9। ये बच्चे जितने अच्छे खेल में हैं उतने ही पढ़ाई में भी हैं और मैं इनको एक बार और कहना चाहती हूँ खेल की प्रतिभा के साथ साथ आप शिक्षा में भी अपनी ऐसी ही चमक बनाए रखें। और बच्चे ने फेंकना तो बहुत अच्छा चाहा था लेकिन हवा की वजह से नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाने के वासुकांत के लिए। हवा की मूवमेंट की वजह से नहीं जा पाया है। बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हुए बच्चे भाले से भी हर एक फील्ड में अपना 100% देते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ अब की बार भाला है प्रभु के हाथों में लगातार उम्दा प्रदर्शन करते हुए प्रभु से आगे। शायद कुछ खेल में बाधा उत्पन्न हुई है, छोटे छोटे कदमों के साथ बढ़ते हुए प्रभु देखते हैं ये एथलीट बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा ट्राई, बहुत अच्छी कोशिश की है प्रभु ने, लेकिन शायद कुछ पीटीआई का इंस्ट्रक्शन देते हुए कि आपका थ्रो शायद अच्छा नहीं सीखा। हाउस के बॉयज रेडी रहेंगे रिले रेस के लिए, लाइन लगा करके बैठ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हाउस, अचीवर हाउस, इनोवेटर हाउस, मोटिवेटर हाउस एंड प्रोफेसर हाउस विल बी रेडी फॉर रिले रेस। I'm requesting from all students, please keep silent. अभी दो मिनट में बस।
वो मार्केट में ही है, वो वाली नहीं है जो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्शन जेवलिन थ्रो में, फर्स्ट गौरव, सेकंड फर्स्ट गौरव सेकंड है तैयार करो हाउस में करवा दो। मेरा हाउस मेंबर से जो मेन हाउस मेंबर है, सारा हाउस के मेंबर से निवेदन है कि ग्राउंड पर आ जाए। आपका एक कंपटीशन होना है जैवलिन थ्रो, मेन टीचर जैवलिन थ्रो के लिए आ जाए। उसकी डायरेक्शन दे, मोटिवेटर हाउस, इनोवेटर हाउस, अचीवर हाउस, प्रोग्रेसर हाउस, जैवलिन थ्रो के लिए आ जाए। अमित सर एक बार ग्राउंड पर पहुंचे, प्रोग्रेसर हाउस से शुभम सर, कपिल सर अचीवर हाउस, अंकुश सर प्रो मोटिवेटर हाउस, और प्रोग्रेसर से कौन है, उमंग सर एक ही है हमारे, और इससे अचीवर से कपिल सर। पंकज टीचर्स को कुछ समझाते हुए किस तरीके से भाला फेंकना है, और हमारे सभी हाउस के प्रतिनिधि ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए। शुभम सर के हाथ में भाला कुछ एंगल घुमाते हुए अपने हाथ से समझाते हुए किस तरीके से भाले को फेंकना है, और हमारे सभी हाउस इंचार्ज टीचर ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और समझते हुए देखते हुए किस तरीके से भाला फेंकना है। अब हमारे स्कूल से जाने माने टीचर मैथमेटिशियन मिस्टर अंकुश सर के हाथ में भाला, सबसे पहले शायद वही स्टार्ट करेंगे। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के स्थान प्राप्त करने के लिए, उन्हें पीछे हटाने के लिए अंकुश सर के हाथ में भाला, हमारे स्कूल के मैथमेटिशियन मिस्टर अंकुश सर रन अप धरते हुए अपने हाथ में भाला पकड़े हुए शानदार पोजीशन में, और इन लम्हों को भागते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ, और ये फेंक दिया है भाला, बहुत अच्छे से भाला फेंक रहा है मिस्टर अंकुश सर ने। उसके बाद सारा ही मत बनाओ, कट कट करके बनाते रहो शॉर्ट वीडियो, इतनी तो एडिट भी नहीं होगी, 18 मिनट की बन चुकी है। भाला फेंक रहे हैं, फिजिक्स के टीचर हैं और फोर्स यहाँ पर बहुत मायने रखती है, और ये रहा अद्भुत प्रदर्शन जोरदार तालियां हो जाए प्रोफेसर के लिए, बेहतरीन फिटनेस इनकी लाजवाब, इंटरेस्टिंग छोटे छोटे कदमों के साथ तैरते हुए बहुत अच्छे। अकाउंटेंट देखिए किस तरीके से हिसाब लगाते हैं, फेंकने का किस तरीके से जाल घूम जाएगा भाला एंगल से, ओ हाँ।
ये रेस बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि सभी हाउस के प्रतिनिधि इंचार्ज ट्रैक पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये डर से बच्चों के लिए जो पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें दिखाना है कि टीचर पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चे के लिए जो गेम है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस बार वो नेक्स्ट मोमेंट पर जब नेक्स्ट हमें परमिशन मिलेगी स्कूल कमेटी की ओर से तो ये बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप को शो करेंगे कि मैं भी प्रतिभाशाली हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी फर्स्ट पोजिशन पर आ सकता हूँ। तो इसी के रिगार्डिंग बहुत ही रोमांचक रेस होने वाली है। हीना मैम का उत्साह देखने का, रितु मैम का उससे ज्यादा और वर्षा मैम का सबसे ज्यादा। आपको वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर ट्रैक पर आप आ सकते हैं। और इनोवेटर हाउस की तरफ से दौड़ेगी, आप नहीं दौड़ रुक गई मैम, इनोवेटर हाउस की ओर से आ रही है मंजू मैम। छोटे बीच में जैसे कि इनोवेटर हाउस की तरफ से कोई भी फीमेल स्टाफ नहीं दिखाई दे रहा था तो इनोवेटर हाउस की तरफ से मंजू मैम ने बीड़ा उठाया है इनको जिताने का। काबिले तारीफ आने के नहीं हो पायल मैम को बोलना जरा, पायल मैम को, पायल मैम भी आ जाइए, पायल मैम भी अगर आना चाहती है तो पायल मैम भी मना कर रही है। बहुत ज्यादा उत्साह बेटा, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों।
उन्हें भी लगा दो, मत रखना उसे ऐसे बोलने पे। वो नहीं आ रही अभी, सिग्नल देंगे तभी दौड़ना चाहिए टीचर को। नहीं ट्रेनिंग टीचर के दोस्त चलते हुए दौड़ते हुए ट्रेक पर हैं। हमारे टीचर्स के द्वारा और सभी लोग का देखने को, बच्चों में भी और टीचर्स में भी देखने को बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कभी आगे कभी पीछे, लेकिन फाइनली रीटू मैम फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन का वर्षा मैम और थर्ड पोजीशन का निधि। स्कूल की पढ़ना चाहिए, ग्राउंड पर जाते हुए चहल कदमी करते हुए और बच्चों को आशीर्वाद देंगे, जिससे भी उनका मनोबल टूटे नहीं, हर एक जीत की सांस अंतिम क्षणों तक बनी रहे, इसका आशीर्वाद देने पहुंचे हैं ईस्ट सेवन पब्लिक स्कूल के स्कूल कमेटी और प्रधानाचार्य जी। जोरदार तालियां हो जाए बच्चों, जोरदार तालियां। समझाते हुए बच्चों में उत्साह बढ़ा, जो जिसका उसका बच्चा है उसी का नाम ले रहा है और उनका उत्साह वर्धन कर रहा है, बहुत अच्छी बात नहीं मिली है। लेकिन मोटर हाउस के बच्चे कुछ कम बोल रहे हैं और अचीवर हाउस के बच्चे बहुत अच्छा उत्साह वर्धन कर रहे हैं अपने बच्चों का। मोटिवेटर बच्चे पूरी तरह से बच्चों का उत्साह वर्धन करें, ग्राउंड में है इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश धीमानी को लेकर हाउस ने पूरा फायदा उठाया मोटिवेटर हाउस से, ऐसे लड़खड़ा की सेवन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जिनका उत्साह लेने के लिए हमारी स्कूल कमेटी वही पर पहुंच गई है और बहुत धीरे धीरे काम करते हुए अच्छी बार हाउस के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लगातार दो बार जीत हासिल करके। ठीक ठीक कैसे तैयार खड़े हैं दौड़ने के लिए, अभी पीटीआई सब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, रिले रेस कर रेड वाला वो कहा है, मुझे क्या पता कौन रखा है। अद्भुत प्रदर्शन देने को तैयार है नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है झूला तालियां हो जाए बच्चों के लिए, आराम से बैठा आराम से। न्यू डोरी
तो अभी कुछ डिस्कशन चल रहा है उन बच्चों का, आई थिंक सेकंड राउंड कराया जाएगा। शुभम सर तो अगर दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ 200 मीटर रनिंग रेस विद मी बाय प्लेस। तो हमारे जूनियर किड्स परफॉर्म करने वाले हैं आपके सामने, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्सव वर्णन आप अवश्य करें। मैं सभी सम्मानित अभिभावक गण से अनुरोध करना चाहती हूँ बच्चियों की उत्सुक को दुगना करने के लिए आप जोरदार तालियां अवश्य बजाएं। All students, please clap. धन्यवाद।
मेहर भी है, 100 किलो मेहर भी है, मेहर भी है। लास्ट है सर, लास्ट है। So this is the last event of today's program, annual sports meet 2023. Guys, please now the applause for these boys, Vikas Gopal, Krish Tyagi, Umer and Vivan. So we have two rounds of this race. Senior versus junior. So this is our first round of senior 100 meter running race. Take your position. On behalf of the students, staff members and team of the KHPS, I would like to thank you our dear parents for having taken out their time to be with us on our annual sports meet 2023. So now I would like to call our respected principal sir, please come on the stage, share few words for today's event. Class 9. Devanshi from grade 9, please come on the stage. Firstly, I want to pay thanks to founder Sushri Sunita Dhiman और हमारे जूनियर विंग की प्रिंसिपल आरती पुंडीर और दूसरी तरफ हमारे बीच में मौजूद हमारे स्कूल के अभिभावकगण जिन्होंने अपना कीमती समय इस इवेंट पर एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2023 पर हमें दिया और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए एंजॉय भी किया। आज किड 7 पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स स्टडी के साथ साथ में जो कई तरह की इवेंट्स शॉर्ट पुट जेवलिन अलग डिफरेंट तरह के इवेंट्स जो किए गए हैं उनमें उन स्टूडेंट्स ने भी फर्स्ट पोजीशन अचीव की है। कई बार जिन्हें लगता है कि ये स्टडी में स्टूडेंट्स कुछ अच्छा एफर्ट कोई पोजीशन नहीं ले पाते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में उन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उन स्टूडेंट्स ने अच्छा पार्टिसिपेट किया और पोजीशन अचीव की। उनमें सभी स्टूडेंट्स के तो मैं नाम अभी मैम अनाउंस करेंगी लेकिन मुझे लग रहा है जैसे क्लास 11th में एक स्टूडेंट जिसको मैं बार बार किसी ना किसी वजह से टोकता हूँ डांटता भी हूँ और शायद पीट भी देता हूँ जिनमें एक स्टूडेंट विकास है और आज मैंने देखा कि उसने एथलेटिक्स में और जंपिंग में जितनी भी जो इवेंट्स हुए उसमें बहुत अच्छा उसने अपना योगदान दिया और पोजिशन अचीव की। आप सभी स्टूडेंट्स ने चाहे वो क्रिकेट हुआ है बैडमिंटन हुआ है एथलेटिक्स हुए हैं उनमें अमित सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यहाँ तक कि हमारे टीचर्स ने कल संडे में भी आकर अपनी भूमिका यहाँ पर दी है। जैसे अरेंजमेंट है मैनेजमेंट टीम तो हमारी हमेशा साथ रहती है जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सफल हो पाता है। जितना भी अरेंजमेंट है मैनेजिंग टीम से ही होता है। कल भी संडे में भी आकर अपने साथ खड़े होकर यहाँ पर ट्रैक और सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल कराया गया सफाई कराई गई लेकिन उसके बाद भी आज सुबह भी आकर जैसे
कुछ टीचर्स ने आकर 8 o'clock आकर अपने टाइम पर सब कुछ अरेंजमेंट किया। उसमें टीचर्स के लीडरशिप की भूमिका में सविता धीमान ने सुबह से यहाँ पर अपनी भूमिका दी, जिससे टीचर्स भी टाइम पर और सब अरेंजमेंट हुआ। कल सत्यप्रकाश जी प्रबंधक महोदय और संस्थापिका ने खड़े होकर यहाँ पर अरेंजमेंट करा, जिससे आज हम अच्छा एंजॉय कर पाए। आप सब टीचर्स बधाई के पात्र हैं, जिनकी वजह से ये एक अच्छा मोमेंट जितने हमें देखने को मिला है। जितनी इवेंट्स हैं यहाँ पर हुई हैं वो सब बहुत अट्रैक्टिव और वंडरफुल रही है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय है, क्योंकि खेल जो होते हैं उनके बिना हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो मानसिक विकास है, वो अगर हम स्वस्थ नहीं होते हैं तो हमारा मानसिक विकास भी इतना शार्प नहीं रह पाता जितना होना चाहिए। तो खेल हमारे जीवन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। शारीरिक विकास के साथ ही हमारा मानसिक विकास भी होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो सभी स्टूडेंट्स को कोई ना कोई एक खेल तो खेलते ही रहना चाहिए, और जीवन में हमेशा फिजिकली एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और फिजिकली फिट रहने के लिए खेल जरूर खेलते रहना चाहिए। आप सभी पेरेंट्स को और हमारे प्रबंधकारिणी सदस्य सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नाम अनाउंस होंगे जब निकलेंगे। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर सुनील सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, से फ्यू वर्ड्स ऑफ अवर स्टूडेंट्स। डॉक्टर सुनील सर, सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज बहुत दिनों बाद इतना उत्साहवर्धक प्रोग्राम देखकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और सभी बच्चों को विशेष शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जो इसमें उत्साह दिखाया है प्ले में, उसके लिए हम हमेशा आगे के लिए भी उन्हें उत्साहवर्धक रखेंगे, और अगली बार हम बहुत बड़ा ट्रैक उन्हें देने जा रहे हैं, और क्लस्टर का प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं भविष्य में, जिसमें और स्कूल भी हम बुलाएंगे आसपास के, उन्हें भी उत्साहित किया जाएगा। इसलिए बच्चे सभी तैयारी से रहें। एक चीज़ मुझे बहुत खली है अपने बच्चों में, जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार मुझे बच्चे दिखाई दिए हैं, स्पेशली हमारी गर्ल्स जो शायद खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो मैंने उन्हें देखा है हाँपते हुए, जो कि ये उम्र हाँपने की नहीं है। कभी हम भी जो है पार्टिसिपेट करते थे अपने स्कूलों में, तो हमने कभी ऐसा फील नहीं किया, आज भी नहीं करते इतना फीलिंग जितना आजकल के बच्चे कर रहे थे। तो स्पेशली अपने बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को स्पेशल मोटिवेट करना चाहता हूँ इस बारे में, कि बच्चों पर विशेष ध्यान दें। जो हमारी गर्ल्स हैं उन्हें स्पेशली मिल की तरफ आकर्षित करें, एग खिलाए, जिनके यहाँ एग नहीं चलता वो पनीर खिलाए, सोयाबीन खिलाए, पर बच्चों के मेल न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। कुपोषण के शिकार मुझे बच्चे नज़र आते हैं, और आगे भी इस प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। बाकी सब बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आई एक्सटेंड माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू आवर रेस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिसेस आरती कुंडीर मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर फ्यू वर्ड्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, जोरदार तालियां बजाइए। नहीं 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 मैम, ये मत सोचो, नहीं नहीं बैलून के लिए कह रही है। माननीय प्रबंधक महोदय, चेयरमैन पर्सन और हमारे संस्थापक सुश्री सुनीता देवी के अथक प्रयासों से यह स्कूल
आज इस जगह पहुंचा है, देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उसका कोई वर्णन नहीं है। बहुत अच्छा लगा सारा ही प्रोग्राम, सारा ही ये इतनी मेहनत हमारे शुभम सर ने की है, प्रिय सर ने की है, बच्चों को बहुत सारा ही प्रोग्राम में बच्चों ने जहाँ दौड़ है, भाला है, या फिर आपका क्रिकेट देखा परसों, बहुत अच्छा लगा। किसी भी जगह कोई कमी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी मैदान पूरी तरह तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत बहुत अच्छा। और एक कहावत है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब खेल कूद के भी साहब बना जा सकता है और पढ़ लिख के भी साहब बना जा सकता है। तो जो बच्चे हैं खेल कूद में हैं तो और आगे हैं, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आगे पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई लिखाई जरूरी है, खेलकूद भी बहुत जरूरी है। घरों में मैदान बहुत छोटे छोटे हो गए, घर के आंगन नहीं रहे, तो एक स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका चहुंमुखी विकास हो सकता है, और उसमें ये इतना बड़ा ग्राउंड देना एक बहुत बड़ी बात है। जिन बच्चों ने नहीं पार्टिसिपेट किया तो आगे के लिए बहुत ध्यान रखें कि हाँ हमें भी प्रदर्शन करना है, हमें भी कुछ करके दिखाना है, तो अच्छा लगेगा सभी के लिए। और एक जो है, बच्चे पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, पिज्जा और पाप का जो है इटालियन फूड पर ज़्यादा रहता है, तो देखिए उसी का है नतीजा कि आप लोग कितने कमज़ोर हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बच्चों के कुपोषण के शिकार लग गए हैं। बेशक आप जब तक आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, पोषक खाना नहीं खाएंगे, तब तक ये कमी रहेगी ही रहेगी। तो पानी खूब पीजिए, अच्छा खाना खाइए, तो बहुत अच्छा आपके जो है स्वास्थ्य प्रभाव पड़ेगा। और मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ बुलाया और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने दिखाया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। Thank you so much, ma'am. I would like to extend our deepest gratitude to our principal sir, all respected management members, who has always been a constant source of inspiration and guidance, and a silent pillar of strength behind all our grand events. Last but not the least, we thank the budding sports stars of KHPS who participated today and displayed tremendous sportsmanship and accept their success with pride and failures with grace. Now, I would like to call our PTI sir, Mr. Shubham Antal, please come on the stage and say few words for today. धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं ऑल स्कूल मैनेजर एंड ऑल टीचर्स इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी वजह से ही, आपके सहयोग से ही ये इतना बड़ा पाँच दिन के जो पाँच दिवसीय खेल स्पोर्ट्स डे हमने कराया, ये सफल रहा। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बच्चों के अभिभावक का कि वे यहाँ पर आए, उनका भी दिल से स्वागत करना चाहूँगा, उनकी वजह से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ। और बच्चों को भी बोलना चाहूँगा, खेल में पोजीशन लाना ही बड़ी बात नहीं है, प्रतिभाग करना ही बहुत बड़ी बात है, कि प्रतिभाग अगर आप खेल में करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है अपने में। और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप सभी घर पे जो मोबाइल फ़ोन इनको अवॉइड करें, और फिजिकली जितनी भी एक्टिविटी होती है, फिजिकली एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, उनको अपनाएं और मोबाइल को बिल्कुल अवॉइड करें। मोबाइल से आप, मैं देखता हूँ जितने भी आसपास में क्षेत्र में, ज़्यादातर मोबाइल के गेम इतने हो गए हैं कि बच्चे मोबाइल के गेम में लग गए हैं, जो कि फिजिकली एक्टिविटी के लिए उनको समय नहीं मिलता, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फिजिकली एक्टिविटी के लिए। तो गार्जियन से भी, गार्जियन आए हुए हैं, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनको बोले कि शाम के टाइम या सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम, उनसे लगभग 2 किमी रनिंग, 2 किलोमीटर की रनिंग अवश्य कराए। और इसी के साथ मैं 4 लाइन बताना चाहूँगा कि एकदम से ही एनर्जी को
बढ़ाने के लिए, एकदम से एनर्जी देने के लिए खाइए केले और फिजिकली फिट रहने के लिए कोई ना कोई एक खेल जरूर खेले। धन्यवाद। वेल सेड शुभम सर, थैंक यू सो मच सर। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। हेलो, मंच पर उपस्थित चेयरमैन भाई सुनील, मास्टर जी जो संस्थापक हैं किड सेवन पब्लिक स्कूल के, और मैनेजमेंट के अन्य सदस्य, प्रिंसिपल साहब मनी भाई, छोटी विंग से मेरी परम दुलारी आरती मैडम, मेरा स्टाफ बहुत प्यारा प्यारा, छोटे किड्स बड़े किड्स का बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्यारा सा मेरा स्टाफ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज 5 दिवसीय जो क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उसका समापन है आज। बहुत दिन से शुभम भाई मुझसे कहते रहे मैडम मैदान तैयार करवा दो, मैं भी मजबूर थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऊपर नीचे सामान पड़ा हुआ था, बहुत मुश्किल से पता नहीं कैसे अभी इतना तैयार हो पाया है, मैं भी मजबूर थी, लेकिन बड़े संसाधनों से कुछ किया जाए तो कुछ खास बात नहीं होती, लेकिन जब परेशानियां हो, संसाधन कम हो, उससे उपलब्धि बड़ी कर ली जाए तो सचमुच बहुत सराहनीय होती है। वैसे ही एक उपलब्धि आज ये है शुभम सर की और उनके सहयोगियों की कि आज इस छोटे से मैदान में, मतलब तो मैदान तो बहुत बड़ा है लेकिन क्योंकि अभी वो तैयार नहीं है इसलिए हाफ मैदान से भी उन्होंने बच्चों में जो उत्साह वर्धन किया है, जो उत्साह भरा है, वो काबिले तारीफ है। आगे आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगी कि पूरा मैदान मैं अपने बच्चों को दूं, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को चमका सके, दिखा सके। आज छोटे छोटे गुब्बारे यहाँ लगे हुए थे और हवा बहुत तेज थी, इतना उत्साह देख के वो गुब्बारे भी उड़ गए आज आसमान में, ऐसे ही आसमान को छूने मेरे बच्चे, मैं चाहूंगी और उसके लिए जितना भी प्रयास मैं कर सकती हूँ उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करूँ, उनका उत्साह इस तरह बना रहे हमेशा ही, और बहुत अनुशासन से बच्चे बैठे। सबसे पहला काम है अनुशासित रहना, मेरे बच्चे वो सीख रहे हैं, सीखते हैं और आज उन्होंने इसका प्रमाण दे भी दिया है। तो अनुशासन में बैठे, खेल देखा, सबको उत्साहित किया, बहुत बड़ी बात है। आज जिन बच्चों ने रेस जीती, मुकाबले में जीत गए हैं, वो तो सराहने के पात्र हैं ही, लेकिन जिन्होंने भाग लिया है वो उससे भी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। देखो जीत और हार ये तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम कोशिश करना ना छोड़ें, हमारी कोशिश ही हमें कामयाब बनाती है। तो इसी तरह आप खेलते कूदते रहिए, खेल भावना से खेलिए और हमेशा खुश रहिए, और ठीक से खाना खाया कीजिए, बेकार की चीजें छोड़ दीजिए, खूब दूध पिया कीजिए, मेरी तरह सुबह सुबह दूध पिए और शाम को भी दूध पिए, खाना रोटी कम खाए लेकिन दूध खूब सारा पिए। उनकी माताओं से मेरा अनुरोध है बच्चों को खूब दूध पिलाएं, पनीर खिलाएं, घी खिलाएं और स्वस्थ रखें। देखो ये पीले पीले चेहरे वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, स्टैमिना बिल्कुल नहीं है बच्चों में, दौड़ते तो हाँफ जाते हैं, ऐसा ना करें, जरा अच्छा अच्छा खाना खिलाएं बच्चों को, पोषक तत्वों से भरपूर। माँ ही सबसे पहली शासिका है घर की, तो अपने प्रशासन को जरा ठीक रखें, मेरे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान। और यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगणों का, सम्मानित अभिभावकगणों का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय दिया मेरे बच्चों के लिए, वो इसी तरह उत्साहवर्धन करते रहे, आते रहे स्कूल में, घर पर भी बच्चों का ध्यान रखें और यहाँ भी इसी तरह उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आते रहे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
परम सम्मानित विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कुमार जी और फाउंडर सुश्री सुनीता जी और विद्यालय की उन्नति में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली श्रीमती आरती पुंडीर जी, आज क्रीड़ा उत्सव के समापन पर्व पर मैं सबसे अधिक ऋणी हूं अपने प्रिय भी उनके लिए बहुत कम है शब्द, परम सम्मानित हमारे अभिभावकगण, मैं कृतज्ञ हूं आभारी हूं उन सभी अभिभावकों का जिन्होंने अपना अमूल्य समय आज बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए विद्यालय को दिया और मैं प्रोत्साहित करूंगा उन सभी बच्चों को जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी जिन्होंने प्राप्त की और उन्हें भी मैं धन्यवाद दूंगा बच्चों को, उनका भी उत्साहवर्धन करूंगा जो किसी कारणवश इन खेलों में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सके। सभी प्रिय अध्यापकगण अध्यापिकाएं जिन्होंने इस पर्व को पूरा करने में चार चांद लगा दिए, मेहनत की परिश्रम की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। खेल शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है और आपने अपनी प्रतिभा को आज प्रदर्शित कर दिया इस खेल के मैदान में। मैं सभी का कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, ऋणी हूं जिन्होंने सबने मिलकर इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बना दिया। आगे भी बच्चे इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे और अपने अध्ययन कार्य में सफल होंगे। अब परीक्षा समीप है, टेंथ और सेकेंड ईयर की परीक्षा कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा फरवरी में प्रारंभ होने जा रही है कुछ ही दिनों के बाद। मैं उनमें सम्मिलित होने वाले सभी बच्चों से भी कहूंगा कि बहुत अधिक परिश्रम करें और विद्यालय का नाम रोशन करें। बस इससे अधिक और क्या कहूं, मैं एक बार फिर से ऋणी कृतज्ञ आभारी और उनका अभिनंदन करता हूं प्रिय अभिभावक गणों का जो यहां पर विराजमान है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, होल्ड ऑन योर हार्ट बीट्स बिकॉज आई वुड लाइक टू कॉल अवर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी 5 डेज से जैसे हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रही हैं उसमें सभी स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स कुछ ने फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया, कल्चरल में भी किया। उसमें कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो सभी तरह की